कृष्णा को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। उन बालकों ने तो सारे राक्षसों का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। चिंता की कोई बात नहीं मित्र कंस, अब मैं एक ऐसे राक्षस को भेजूंगा जो पूरे वृंदावन को भस्म कर देगा। उलूकाया तू। आनंद आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट फल थे। असली आनंद तो उन असुरों की धुलाई करते समय आया था। ये अचानक क्या हो रहा है? कृष्ण, कृष्ण, बाहर निकल कायर। मैं इसे देखता हूँ, तुम सब आग बुझाने में जुट जाओ। कृष्णा, सावधान रहना। कृष्ण, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। कृष्ण, यदि इस पर विजय पाना है तो मुझे हवा में ही इसका विरोध करना होगा। नहीं, ये असंभव है। उलूकाया, तूने कितने ही योद्धाओं का वध किया है, इतने बलवान राक्षस को इतना छोटा बालक कैसे मार सकता है? आज तो हमने उन राक्षसों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन कंस मामा रुकने वाले नहीं हैं। बलदाऊ, आप चिंता बहुत करते हैं, जब वो भेजेंगे तब देख लेंगे। अब आप सो जाइए। कृष्णा, कृष्णा। हाँ, उठो कृष्णा। मैया, बस थोड़ा और सोने दो। उठो कन्हैया, महामुनि लोकमित्र आए हैं। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। कृष्ण, बलराम, वृंदावन वासियों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुनिवर, हम आपकी और वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमें क्या करना होगा मुनिवर? भक्षासुर ने रुद्रदेव को सुप्तावस्था में बंदी बना लिया है। तुम्हें भक्षलोक जाकर रुद्रदेव को भक्षासुर से मुक्त कराना होगा। बेटा।
मेरे यानी शूरवीर भक्षा जिसने स्वयं रुद्रदेव को बंदी बनाया है, उसके सामने आने की हिम्मत कैसे की? हे मेरु देवता, आपको नमन हो। कृष्णा, ये लो मेरु अस्त्र, ये तुम्हें इस दुष्ट का नाश करने में मदद करेगा। कृष्ण और बलराम, मैं तुम्हारे शौर्य से प्रसन्न हुआ। मांगो, जो चाहे वो मांग लो। रुद्रदेव, कृपया वृंदावन को पहले जैसा कर दीजिए। तथास्तु। मनुष्यों से हार कर तुमने अपनी नाक तो कटवाई ही, साथ ही साथ हमारे भी मुंह पर कालिक पोत दी। मूर्खों, वो कहावत थी, पर यदि तुम अभी इसी वक्त वापस वृंदावन नहीं गए और भोजन के लिए गाय बैल उठाकर नहीं लाए, तो मैं स्वयं ही तुम दोनों की नाक काट दूंगा। परंतु पिताजी, यदि हम वापस वहाँ गए और उन दो खतरनाक ग्वालों ने हमें फिर वहाँ देख लिया तो? नहीं देख पाएंगे। अब जाओ और भोजन का प्रबंध करो। राधे, मैं तो यही हूँ। ये असुर ऐसे नहीं मानेंगे। जगह है, ऐसा
लगता है जैसे यहाँ कभी कोई मनुष्य आया ही नहीं हो। ओह, ये कितने सुंदर फूल हैं। वृंदावन में तो कभी नहीं देखे। कुछ क्षण नौका यहाँ रोकते हैं। मैं वहाँ ऊपर से वो फूल लाना चाहता हूँ। कान्हा, एक नहीं बहुत सारे फूल लाना। ये कोई चट्टान नहीं, तुम सब एक भयानक मगरमच्छ की पीठ पर खड़े हो। हमारे सभी प्रियजनों, देवों और संसार के प्रतिष्ठित गण को यहाँ एकत्र देख
हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम आप सबके आभारी हैं। इस तरह हमारे महल में घुस आने का क्या तात्पर्य है समुद्र दैत्य? शायद तुम भूल रहे हो वरुण देव, आज तुम मुझे अपनी दावत से महरूम नहीं रखते। तुमने दूर दूर निमंत्रण भेज सभी वरिष्ठ जीवों एवं देवों और यहाँ तक कि मनुष्यों को भी आमंत्रित किया, पर मुझे नहीं बुलाया। ऐसा कर तुमने मुझे बहुत अपमानित किया है वरुण देव। कृपया शांत हो जाइए समुद्र दैत्य, हमें कदापि ये अनुमान न था कि आप भी हमारे भोज में शामिल होने के इच्छुक होंगी। अब मेरे क्रोध को तुम्हारी मीठी बातें नहीं शांत कर सकती। बस हंसी खिलवाड़ बस हो गया। अब एक हाथ मेरी ओर उठा कर दिखाओ तो मैं सुरा को। फिर वो बालक मान ही गए और वही रह गए तो सुरा देवी। अब यदि वरुण देव आकर तुम्हें छुड़ाने के लिए हजार बार मुझसे क्षमा मांगेंगे तो सिर्फ तभी मेरे अपमान का बदला पूरा होगा। दावत ना सही, मछली ही खाई जाए। कृष्ण, बलराम, मुझे सुरक्षित रिहा करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन वापस जाकर अपने सुख सेहत का संदेश जरूर भेजते रहना। परंतु अभी हम वापस कहाँ जा रहे हैं? पहले आपके महल वापस जाकर सारे पकवान तो पेट भर कर खा लें। इन लड़कों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ भेजकर कहीं और ही अपना खेल खेलने में लग गए होंगे। देख लेना राधा, उन्हें याद भी नहीं होगी हमारी। कृष्ण राधा को कभी नहीं भूल सकता। लो आ गए। पर ये दो लोग कौन हैं? पहले तो इन्हें नहीं देखा। परम जगम, ये है हमारी बाकी की टोली। ये जो गुस्से में खड़ी है ना, वो विमला है। वो चुपचाप और सीधी सी लड़की है मनिया, और ये मोटी है कमला। ये है राधा। कान्हा, हम सबको कोई ना कोई उपमा दे दी, पर राधा को कुछ नहीं कहा तुमने, क्यों भला? राधा के लायक तो कोई उपमा है ही नहीं मेरे पास। पर ये दोनों कौन हैं? ये हमारे नए मित्र। ये सपेरे हैं और
इनके पास बहुत सारे सांप हैं। तो अगर तुमने फिर कभी तंग किया तो मैं सारे के सारे तुम पर छोड़ दूंगा, समझी? जा जा, मैं नहीं डरती सांप वांप से। अच्छा अब लड़ना बंद करो और ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी। हाँ, कबड्डी ही खेलेंगे और इस उधव को खींच खींच कर पकड़ेंगे। काना और दाऊ आमने सामने होंगे। सबसे पहले मैं अपने नए मित्र जगम को चुनूंगा। तो मैं चुनता हूँ परम को। विमला, उधो, माधो, राधा। माधो जाओ। कबड्डी बहुत बढ़िया माधव, अब तुम्हारी बारी कान्हा। हमारी तरफ से परम आएगा। परम। कबड्डी 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 कबड्डी। देखा, इसे कहते हैं बुद्धि का प्रयोग। कबड्डी 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 कबड्डी। उधो तुम जाओ। रहने दो काना, हम ऐसे ही हार मान लेते हैं, ये दोनों मुझे मार ही डालेंगी। जाओ उधो, यही अवसर है, तुम अपने सारे अपमानों का बदला ले सकते हो। इन दो गोपियों को तो तुम बड़ी सरलता से हरा सकते हो। जाओ मेरे शेर जाओ, विजयी होकर आना। कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। चुप करो धो, खेल खत्म हो गया, अब तुम मुझे उठाकर बाग तक ले जाओगे और वहाँ से खूब सारे फल तोड़कर खिलाओगे। पर तुमने तो मेरी कमर पहले ही तोड़ दी, तुम्हें उठाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो तुम्हें किसने रोका है मरने से? बस मुझे बाग तक ले चलो। अरे नहीं। अरे हाँ। राधा कृष्ण।
अरे राधे, इस तरह डगमगा कर चलोगी तो तुम्हारे सर से हंडी फिसल जाएगी। ये तुम रख लो, सीधा चलने में सहारा देगी। पर तुम सब ये लकड़ियाँ भला क्यों चुन रहे हो? यूं ही कैसे? अगर तुम सब अपने खेल छोड़कर यहाँ लकड़ी जमा कर रहे हो तो उसका कोई तो कारण अवश्य होगा। कारण तो अवश्य है, पर हम तुम्हें बताएंगे नहीं। हाँ, अगर तुम हमें वो माखन दे दो तो बता भी सकते हैं। माखन खाकर तुम मुकर गए तो पहले बताओ, फिर माखन देंगे। पहले माखन। चल रे अमला। कान्हा, कुछ तो उपाय कर। बलदाऊ, आपने कहा और उपाय हो गया। अरे राधा, आमला, तनिक ठहरो तो। यहाँ पेड़ के नीचे आ जाओ, वहाँ बहुत धूप है। जल्दी कहो, हमें और भी काम है। तुम पूछ रही थी ना कि हम ये लकड़ी क्यों जमा कर रहे हैं? हाँ, क्यों जमा कर रहे हो? लकड़ियाँ जोड़कर हम एक अत्यंत अनोखी वस्तु बना रहे हैं। वो क्या? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुम और अमला कमला को बता दोगी, कमला विमला को बताएगी, विमला मौसी को बताएगी, मौसी ताई को बताएगी, और फिर सबको पता चल जाएगा। चल अमला। राधे, राधा, राधे, अरे सुनो तो, राधे, राधा। घड़ी घड़ी क्यों रोकते हो? कह दिया ना, माखन नहीं मिलेगा। अरे माखन नहीं, मैं तो अपनी बांसुरी की बात कर रहा था। पता नहीं यहीं कहीं गिर गई। सुबह से खोज रहा हूँ, तुम्हें तो कहीं नहीं दिखाई दी ना? देखी है, ये रही। हाँ, तुमने माखन कैसे खाया? तुमने फिर माखन चुराया? Oh,